Hello everyone, I welcome to all to our channel India Updated. So, आपने तो देख ही लिया होगा कि ये वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाला है. आज हम डिस्कस करेंगे अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ चौखंडी स्तूपा. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ UPSC, स्पेशली फॉर प्री एंड मेंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चौखंडी स्तूपा. सो इससे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक सिंपल सी नोट्स बना लें. ये एक बहुत छोटा सा वीडियो होगा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेगा मेंस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए. सो नाउ लेट्स बिगिन चौखंडी स्तूपा. ओके, सो चौखंडी स्तूपा आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं. एक बहुत ही अच्छी विजुअल है, आप देखिए कितना सुंदर है ये. और ये बहुत ही एक पुराना बुद्धिस्ट साइट है, बुद्धिज्म के लिए एक बहुत ही फेमस साइट है. सो नाउ लेट्स बिगिन फॉर द नेक्स्ट स्क्रीन. वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्ट्स. हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इसके फैक्ट जानने से पहले हम एक बात जान लें कि जून 2019 को ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस घोषित किया है. सो क्यों इसको घोषित किया है, इसके इम्पॉर्टेंस हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे. चलिए हम तत्काल फैक्ट्स देखते हैं. फैक्ट्स, इट इज़ एन एंशियंट बुद्धिस्ट साइट. ये एक पुराना बुद्धिस्ट साइट है. नाउ इट इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश सारनाथ. उत्तर प्रदेश सारनाथ, सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ जो है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में स्थित है. And it is declared as protected area of national importance by Archaeological Survey of India. Now, आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सारनाथ जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है in the eastern part of Uttar Pradesh. So, this is the all about the fact of the stupa. और एक और very important fact मैं आपको बता दूँ, दमेघ stupa is also situated here. So please write down and note down that दमेघ stupa, there are two stupa, दो stupa है यहाँ पर. पहले चौखंडी stupa जिसके बारे में हम आज discuss कर रहे हैं, and दमेघ stupa. So this is very important for the prelims and mains also. Now, now we are going to discuss the structures. स्ट्रक्चर्स कैसे है स्तूपा की. वेरी इंटरेस्टिंगली दिस इज़ अ लॉफ्टी माउंड ऑफ ब्रिक. ठीक है, ईंटों का एक माउंड है, एक ढेर सा है ना. और ये क्या है ना, एक स्क्वायर सराउंडेड बाई एन ऑक्टागनल टावर. चौखंडी का अर्थ क्या होता है? चौखंडी जो है ना, पहले ये एक बहुत पुरानी तकनीक है जिससे बिल्डिंग्स बनाए जाते थे. चौखंडी का मतलब होता था चारों तरफ से दीवार और ऊपर की तरफ खुला हुआ. तो ये इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो शेप है ना, इसका जो शेप है ऑक्टागोनल टावर की जो हम बात कर रहे हैं, ये राजा टोडरमल ने इसको बनाया था. और ये कब बनाया था? जब हुमायूं ने विजिट किया था इस प्लेस को. तो ये एक याद रखने वाला फैक्ट है दैट द ऑक्टागोनल टावर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई राजा टोडरमल के द्वारा ये बनाया गया था ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द मुगल एम्पायर हुमायूं, राइट. So now, this is the shape octagon. Octagon is the shape with three angles, with eight angles, right? आप यहाँ पे देख सकते हैं eight angles हैं यहाँ पे different. This is first, this is second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. So ये इसे हम octagon कहते हैं. और यहाँ पे इस shape को आप देखिए, इसी shape में ये सारे जो भी design हैं इस stupa की, इसे बनाया गया है. इसके चारों तरफ जो ये walls है, इसलिए इसको पहले चौखंडी कहा जाता था. और इसके बाद टोडरमल ने हुमायूं के विजिट के बाद इसे ऑक्टागोनल शेप देकर एक ब्रिक माउंट बनाया. नाउ द नेक्स्ट इज कि द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज्म, कि इसको अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया है तो इसके सिग्निफिकेंस क्या थे, क्यों इसको किया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस स्तूपा वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा मेट हिज फर्स्ट डिसिपल्स एज द ट्रैवल्ड फ्रॉम He traveled from Bodh Gaya to Sarnath, right? तो जब भगवान बुद्ध ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें आपको पता होगा उन्हें ज्ञान कहाँ मिला था, पीपल ट्री के नीचे बोध गया में. और उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, जो फर्स्ट नॉलेज शेयर किया था विथ हिज फाइव डिफरेंट डिसिपल्स, जिनके नाम थे कोंडाना, बाधिया, वापा, महानामा एंड असाजी.
ठीक है, ये पांच उनके फ्रेंड्स थे जो कि बाद में डेसिपल में कन्वर्ट हो गए थे, और इन लोगों ने मिलके है ना सारनाथ में एक एक संघ बनाया था। ठीक है, आप जानते हैं कि तीन जेम्स है उनके, ठीक है, तीन जेम्स है बुद्धिज्म के, है ना। तीन जेम्स में पहला है बुद्धा, एंड दूसरा इज धम्मा, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज संघ। तो जब ये पांचों डिसिपल्स ने सारनाथ में जब ये अपना नॉलेज जब गेन कर लिया, तब ये जाके कंप्लीट हो गया, ये जो इनका जो सर्कल था, बुद्धा धम्मा एंड संघा। सो दिस इज दी सिग्निफिकेंस। नाउ दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स राइट फ्रॉम बोध गया। ये बोध गया का एक बहुत सुंदर मंदिर है, अगर आप वहाँ गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कैसे भगवान बुद्ध ने किस जगह पे, किस स्थान पे अपना नॉलेज उन्हें मिला था। सो नाउ वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और ये कैसे काम करती है। तो सेक्शन 4 के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जून 2019 को इसे एक चौखंडी स्तूपा को एक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया था। नाउ इसकी गवर्नेंस क्या है, इसकी गवर्नेंस के बारे में हम देखेंगे। दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। सो याद रखिएगा, दिस इज कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, राइट। सो द सेकेंड पॉइंट इज हिस्ट्री, और ये इसकी फाउंडेशन कब हुई थी। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1861 बाई अलेक्जेंडर कनिंगम। प्लीज इस नाम को आप याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम, हु बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, राइट। वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। नाउ हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स फंक्शन इज अंडर द प्रोविजन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, AMASR, आमासर एक्ट ऑफ 1958, द ASI एडमिनिस्टर मोर देन 3,650 एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। सो ये एक्ट आप याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, है ना, फॉर दी प्री एज वेल एज मेन्स, राइट, paper-1, आर्ट एंड कल्चर। नाउ सो दिस इज़ द वेरी लोगो ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये आज का टोटल बात था। चलिए आपको मैं बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंस, जो इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी, सिग्निफिकेंस की जो हम बात कर रहे थे, तो वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है ना क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जो बुद्धिस्ट साइट है, देखिए पहला बुद्ध को ज्ञान प्राप्त जो हुआ था वो बोध गया हुआ था, एंड नेक्स्ट ही डिलीवर्ड हिज ऑल द नॉलेज, शेयर हिज ऑल द नॉलेज विद द फाइव डिसिपल्स, ऑल्सो नॉन एज पंचवर्गीय, राइट, पंचवर्गीय, ठीक है, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, पंचवर्गीय, ओके, पंचवर्गीय, राइट। सो पंचवर्गीय, इनका नाम भी मैंने आपको बताया था कि पंचवर्गीय कौन कौन थे, कोंडाना, बुद्धिया, उपा, महानामा, असाजी। तो सिग्निफिकेंस में एक सबसे बड़ी बात है कि जो भी जहाँ भी बुद्धिज्म फैला है ना पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे, एक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, एंड स्पेशली पीपल फ्रॉम जापान एंड चाइना कम शेयर, यहाँ पे वो लोग आते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कहाँ से बुद्धिज़्म की स्प्रेड हुई। सो ये हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है ना टूरिज़्म को लेकर भी। सो दिस इज ऑल अबाउट द चौखंडी स्तूपा, राइट। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर दिस सीजन, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट। सो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऐसे कवरेज चाहिए। अपने नोट्स अच्छे से बनाएं, बी सेफ, एंड ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस लॉकडाउन प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट गवर्नमेंट एंड स्टे एट होम सेफ। थैंक यू वेरी मच।